है, ये आसमां में खिड़कियों से देख तो पहाड़ों को यूं छोटे से लगे। छोटी छोटी सी लगे। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आप सभी को लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। और गाइस, आप सभी को उसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो इसके लिए मैं बहुत ही डीमोटिवेट हूँ और भी नाराज़ भी हूँ आप सभी से। प्लीज़ सपोर्ट करो यार, छोटा भाई हूँ आपका, सपोर्ट तो बनता है ना बॉस। चलो यार, प्लस पे क्लिक करना, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना और आप जिस भी ऑडियो पे वीडियो बना रहे हो आप सिंपल उस वाले ऑडियो को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाले ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसा कि मेरा ये लिरिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क कर लेना होगा। तो यहाँ पर एक मार्क, अब यहाँ पर तो इस तरह आपने मार्क कर लिया। सोचो आप पूरा ही कर लेना तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग देखते नहीं हो, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग को समझा देता हूँ। अब आप यहाँ पर क्या करें, प्लस पे क्लिक करें, मीडिया पे जाएं और यहाँ पर गाइस आप उसके बाद पिंट्रेस्ट एप्लीकेशन पर चले जाएं। उसके बाद आप पिंट्रेस्ट एप्लीकेशन पर आ जाएं और यहाँ पर गाइस आपको उस तरह इमेजेस सब के लिए आप यहाँ पर इलुस्ट्रेशन कार्टून इमेज आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी सारे इस तरह फोटो सब देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसके अंदर जाकर आपको फाइंड कर लेना है जो भी आपका जिस रिलेटेड है। आप मैं कार्टून लिखा हूँ, आप कोई भी इस तरह भी लिख सकते हो, इलुस्ट्रेशन कार्टून इन हिल इमेज इस तरह। और आपको काफ़ी सारे नीचे पे और भी इस तरह फ़ोटो सब देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से फ़ोटो सब को सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वाले ऑडियो को इम्पोर्ट किया हूँ और आप यहाँ पर मैं 20 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब इस फोटो के अंदर आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो, लाइक आप सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस ये वाला इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो ये फ़ोटो के अंदर। और आप थोड़ा सैचुरेट कर सकते हो ये फ़ोटो को, यानी कि आप देख सकते हैं मैं प्लस 100 कर दिया तो ये थोड़ा सैचुरेशन हो चुका और खिल रहा है फ़ोटो। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को ध्यान से देखें, आपको यहाँ पर बैक करना होगा। और गाइस, मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट जो देख रहे हो, आपको इसका एक्सएमएल फाइल एंड प्रीसेट फाइल दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप अपने अलाइट मोशन पर इजीली इंपोर्ट करवा सकते हैं ये प्रोजेक्ट को। और इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा फिर आप लोग देखते नहीं हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मेहनत करता हूँ और देखते नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, आप लोग को मैं इसीलिए शॉर्ट पे समझा दे रहा हूँ। चलो अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो नीचे का दो लिरिक्स है, ये दो लिरिक्स लेयर और यहाँ पर ये ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करना है। तीनों लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ये वाला आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पर कॉपी थ्री लेयर्स पे क्लिक करना। अब बैक करके आप उस वाले प्रोजेक्ट पे चले जाओ और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दो। अब ये जो लिरिक्स लेयर है इसके अंदर एक फॉन्ट है, आप देख सकते हैं एप्पल बेरी, तो ये फॉन्ट यूज़ हो रहा है ये टेक्स्ट के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो फॉन्ट है ये आप देख सकते हैं स्टेरियो फिडेलिक, ये फॉन्ट इसके अंदर यूज़ हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये फॉन्ट सबको लिंक आप मिल जाएगा, आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना इस अलाइट मोशन पर। और इसके अंदर आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रुप के अंदर पार्टिकल मिलता है, तो मैं दोनों लेयर को ना इस मार्क तक एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये सब का कलर चेंज कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पर ब्लैक कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर थोड़ा फोटो डार्क है तो आप वाइट कर सकते हैं, अगर आपका फोटो ब्राइट है तो आप डार्क कर सकते हैं कुछ ये इस तरह। अब इससे भी आपको सेम क्या करना है, इस ग्रुप पे क्लिक करना है, कलर पर जाना है और इसे ब्लैक कर देना है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो लिरिक्स है उसे आपको सुन लेना है और जैसा आपका लाइन है उस पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर मेरा जो लिरिक्स है मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, तुम उड़े उड़े इस तरह। और इसके अंदर मैं अपना नेक्स्ट वाला जो लिरिक्स है, जो लाइन आ रहा है वो टाइप कर लेता हूँ, तो जा रहे इस तरह। ओके, तो अभी आप देखो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो अब आप यहाँ पर इस लेयर को इतना दूर आपने एक्सटेंड कर लिया, तो अब इसके अंदर आप एक इफेक्ट यूज़ कर सकते हो जिस इफेक्ट का नेम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म।
तो आप ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का स्टाइलस सेटिंग को चूज़ कर लेना और इसके अंदर सिंपल चले जाना रेंज पे। और यहाँ पर गाइस आप थोड़ा ध्यान से देखो, स्टार्टिंग पे मैं एक प्लस का आइकन ऐड करता हूँ, ओके, और आपको एंड पे एक प्लस का आइकन ऐड करना है। अब जो आपने एंड पे ऐड किया उसे 100 कर देना है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ चले जाना है ट्रांसफॉर्म पर और ये लेटर ही रहने देना है, बट इसे कंपोनेंट कर लेना है। ऑफसेट पे क्लिक करना है, वाई पे क्लिक करना है, वाई को 90 कर लेना है तो मैं 90 कर लेता हूँ। एंगल पर क्लिक करना है और एंगल 93 डिग्री कर लेना है या 90 डिग्री भी आप कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर मैं इतना डिग्री कर लेता हूँ, 93। ऑलराइट, अब नीचे की तरफ आपको चले जाना है। स्केल वगैरह सही है, स्ट्रेच भी सही है, अल्फा को -1 कर क्लिक करना और इस पर इजी इन, इस पर क्लिक करना, इसे 100 कर देना, इसे -100 करना। ओवरले को आप यहाँ पर 580 कर लेना, तो मैं 580 कर लेता हूँ या 590। और यहाँ पर आप स्मूथ भी कर सकते हैं, ये देखो स्मूथ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ट्रायंगल भी, स्मूथ भी। तो देखो ये कुछ इस तरह आपका होगा, देख रहे हो, और स्मूथ पे देखो ये कुछ इस तरह होगा और ट्रायंगल पे देखो कुछ ये इस तरह होगा। तो आपने स्क्वायर रखना है और उसके बाद आप रैंडम ऑर्डर ये सब को ऑन करना चाहते हो तो ये ऑन कर सकते हैं बाय द वे। और उसके बाद आप इस इफेक्ट को कॉपी इफेक्ट कर लेना और आपका ये वाला इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। तो अभी आप देखो कुछ ये इस तरह आपका बन जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या करो, आप ये तीनों लेयर को कॉपी करो, कॉपी थ्री लेयर्स, और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दो, सॉरी यहाँ पर जाकर आप पेस्ट थ्री लेयर्स। अब ये जो लेयर है आपके यहाँ पर कट कर देना है, इसे आपको इधर कर लेना है और यहाँ पर जितना दूर आपका है उतना दूर एक्सटेंड कर लेना। और ये लेयर को इतना यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ और ये ग्रुप लेयर को आपको कुछ इतना दूर रखना है, मतलब एंड से पहले। और ये ग्रुप लेयर का कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ और ये लेयर सबको भी आपने ब्लैक कर लेना है। मतलब आपको ना ये जो आपने अभी बनाया इसी लेयर सबको सिलेक्ट करना है, यानी कि अब आपको यहाँ पर ये तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, कॉपी थ्री लेयर्स और यहाँ पर जाकर पेस्ट थ्री लेयर्स। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, ये लेयर्स आपको इधर कर देना है और इसका टाइम को ऑप्शन पर जाकर कट कर देना है और इस ग्रुप को, मतलब ये ग्रुप आपका एंड से पहले थोड़ा सा रहे, ऐसे बिल्कुल ना रहे, थोड़ा ऐसे रहे। ऑलराइट, थोड़ा मैं इधर इधर कर लेता हूँ, अब सही है। अब देखो, अब इसके अंदर आपका जो लिरिक्स है आप उसे लिख लेना। लिखने के बाद आपको क्या करना है, बैक करना है, मतलब पूरे लिरिक्स सबको लिखने के बाद बैक कर लेना और यहाँ पर ये तीनों लेयर को कॉपी कर लेना, कॉपी थ्री लेयर्स ऊपर के तीन। अब मैं क्या करता हूँ, ये तीनों लेयर को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ बट ये जो लेयर है इसे मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपका ये सेग होगा एक तरह आप कह सकते हो। अब ये सभी लेयर को जितना दूर आप वीडियो बना रहे हो उतना दूर एक्सटेंड कर लो। तो देखो ये कुछ इस तरह आपका बनकर रेडी है, देख रहे हो। तो इस तरह आप यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा फ़ोटोज़ पे बनाना चाहते हो तो आप वो वाला भी कर सकते हैं, लाइक कोई डार्क फोटो भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी एक डिफरेंट टाइप के इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, आई मीन। और इसे नीचे की तरफ कर लेना और कुछ ये इस तरह लगेगा, बट इसका कलर आपको वाइट करना है क्योंकि इसके साथ आपको वाइट सही लग रहा है। तो आपको वो खुद से अंदाज़ा करना है जो कौन सा इमेज कैसा परफेक्ट लगेगा इस के लिए, तो वो आप खुद से कर लेना। बाकी आप यहाँ पर इसका जैसे कि इफ़ेक्ट्स है सैचुरेशन ये वाला, ये सारे फ़ोटो पे ऐड कर देना तब तो थोड़ा कलरफुल हो जाएगा और दिखने में सही लगेगा। तो इस तरह आप यहाँ पर ऐसा लिरिक्स वीडियो बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो देखकर पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं चैनल को सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब नहीं सपोर्ट करोगे, और उम्मीद करता हूँ चलो सपोर्ट करोगे और क्या ही बताओ, मतलब कहने के लिए भी कोई लफ्ज़ नहीं है। मिलते गाइस नए वीडियो के साथ।